नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सलोनी कासलीवाल आपके साथ। मुरलीपुरा बीड स्कूल खेतान हॉस्पिटल के पास पिछले 10 वर्षों से पंडित राकेश शर्मा पूजा पाठ व शिव मंदिर की देखभाल पूर्ण रूप व नियम के साथ कर रहा था। यही बात कुछ दबंग लोगों को अच्छी नहीं लगी और अपना जाल बिछाने के लिए दिनांक 13 दिसंबर 2019 को निर्दलीय पूर्व पार्षद शंकर लाल सैनी ने अपने साथियों के साथ आकर पंडित के साथ दुर्व्यवहार किया व साथ ही झूठे आरोप लगाकर उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया व साथ ही उनके परिवार में उनकी दो मासूम बेटियों व उनकी धर्मपत्नी मधु शर्मा के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। जब मामला पुलिस थाना विद्यालय नगर तक पहुंचा तो विद्यालय नगर पुलिस थाने द्वारा पंडित को ही पाबंद कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में पंडित के पूरे घर का सामान मंदिर के अंदर बनी कोठरी में ही रह गया। कोठरी से सामान भी नहीं निकाला गया और कोठरी में ताला लगा दिया गया। इस दरमियान पंडित के द्वारा कई बार अपने सामान को लेकर थाने में भी गुहार लगाई गई, वह SP को भी गुहार लगाई गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पंडित को पूजा पाठ के लिए नहीं रखना था तो उसे हटाया भी जा सकता था, लेकिन अपना दबदबा व प्रभाव दिखाकर किसी गरीब ब्राह्मण परिवार को बेघर करना कहाँ की दबंगाई है। प्रभावशाली शंकरलाल सैनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए पंडित जी की कोठरी के ताले तोड़ दिए व साथ ही सारा सामान खुर्द बुर्द कर दिया। पंडित को कॉलोनी वालों के बताने पर ही मालूम हुआ कि ताले टूट गए हैं, तो पंडित द्वारा फिर से पुलिस को इत्तला दी गई, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में थक हार कर मधु शर्मा द्वारा जयपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। अब देखना है कि पंडित को न्याय मिलता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।